हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल अंडा 199 रुपीस। तो मतलब मैंने पर्पल से 199 रुपीस के अंदर में क्या क्या लिया वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी। तो ये है वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने लिया है, सारे के सारे मेकअप है, स्किन केयर में कुछ भी नहीं आते। पर्पल पे चल रही है सेल, पूजो सेल, जिसमें आपको अप टू 50% तक ऑफ मिल जाता है और साथ ही साथ आपको वहाँ पे 75, 99, 129 एंड 249 के स्टोर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा, बिल्कुल मुझे लगता है कि भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। 1000-1000 रुपीज के मेकअप प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे 200-300 रुपए में मिल रहे हैं। तो आपको ये डील बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। गो एंड डाउनलोड पर्पल। वहाँ पे आपको जैसे आप नीचे जाओगे ना, आपको वो सारे सेल ऐसे लाइन से दिखेंगे और सारे टाइम के हिसाब से स्टार्ट होते हैं। मतलब कुछ कुछ 9 बजे रात को स्टार्ट होती है, कभी सुबह स्टार्ट होती है, कोई कोई 12 बजे दोपहर को स्टार्ट होती है, कोई कोई 3 बजे दोपहर में स्टार्ट होती है, कोई कोई शाम के 6 बजे स्टार्ट होती है। तो सभी का टाइम लिमिट एक सेव किया हुआ है, उस टाइम के हिसाब से ही वो सारे सेल चलते हैं वहाँ पे। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो गो एंड ग्रैब योर प्रोडक्ट्स। अभी भी सेल चल रही है, 28 तक लास्ट है आई थिंक सो वो सेल, उसके बाद वो सेल खत्म हो जाएगी। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैंने परचेज किया है। 75 के स्टोर के अंदर मैंने परचेज किया था, 99 के स्टोर के अंदर एंड 199 रुपीस के अंदर में। तो सब मिला जुला कर मैंने बस इतने ही प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। वीडियो में जाने से पहले डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर दीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं उसका भी हैंडल अपने लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 75 रुपीज से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये पर्पल की मिनी लिक्विड लिपस्टिक, और ये बहुत ही प्रिटी सा शेड है। मतलब इसका जो कलर है ना वो कोरल एंड पिंक दोनों का ही मिक्सचर है। तो 75 रुपीज में आपको बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल है, जितने भी स्टोर्स हैं 75, 99 और 129, 199, 249 जितने भी स्टोर्स हैं वो लोग आपको देते हैं ऑप्शन। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो आपको 75 या 99 रुपीस में मिलेगी, नहीं। वो एक स्टोर है अलग सा, उसमें आपको जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप उसमें से ही परचेज कर सकते हो। तो 75 रुपीस में मुझे एक ये पसंद आई थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये NYB का ट्रूली मैट लिक्विड आई लाइनर। ये ट्रूली मैट है, सच में ये मैट है, इस टाइम पे मैंने वेयर किया हुआ है इससे। ये जो आई लाइनर है ये वही वाला है, और इसकी जो वॉन्ड आपको मिलती है बहुत ही ज्यादा थिन है, तो आप इजीली बिल्कुल इसे लगा लोगे, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने में। 75 रुपीज में आपको ये मिल रही है आईलाइनर। इसमें आई थिंक सो दो कलर अवेलेबल थे, एक ब्लैक एक ब्लू, तो मुझे ये वाली ज्यादा पसंद आई। लेकिन इसकी मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो है ये कि ये मैट है, सच में बहुत ज्यादा मैट है। लगाने के बाद आपकी जो आई लैशेज आपस में चिपक जाती है, मतलब आई लाइनर आप यहाँ पे लगा रहे हो लेकिन लैशेज आपकी जो है आपस में चिपक जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो आपकी लैशेज को ऐसे पकड़ लेती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन 75 में मिल रही है तो इसे जरूर एक बार आप ट्राई करके देखें। नेक्स्ट जो 75 के स्टोर के अंदर मैंने लिया है वो है ये ब्लश, NYB की ब्लश। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 230 रुपीज, बट मुझे 75 में मिल गई। इसका जो शेड है वो है सनसेट स्काईलाइन ब्लश, और ये बहुत ही प्रिटी सी क्यूट सी मिनी ब्लश है। बस एक चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती है, वो है प्राइस। 75 में मिली है ठीक है, बट इसका एक्चुअल में 230 रुपीज प्राइस, और इतने मिनी ब्लश के लिए आई डोंट थिंक सो कोई भी 230 रुपीज देगा। तो वैसे वो लोग काफी अच्छा खासा सेल में से सेल करते हैं, मतलब कभी भी 230 में आपको ये नहीं मिलेगी, मतलब 190, 150, कभी कभी 100 रुपीज के भी मिल जाती है। पिगमेंटेशन इज सो गुड, सुपर नेचुरल, लगाने पे बिल्कुल लगता ही नहीं कि ऊपर से आपने कोई ब्लश लगाया है। ये इतनी क्यूट और इतनी प्यारी सी नेचुरल फिनिश देने वाली ब्लश है। तो 75 की स्टोर के अंदर आपको ये मिलती है, तो डू चेकआउट। आपको ये वाला तो 100% पसंद आएगा हर एक प्रोडक्ट से, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया। इसका जो फिनिश है ना बिल्कुल मैट है, लगाने पे बहुत शिमरी शिमरी सा लगता है, और इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल विद इन काइंड ऑफ ब्लश करोगे, एकदम नेचुरल वाला, फेक नहीं लगेगा। बस मैं ये कहूंगी इसका बहुत ही प्रिटी सा शेड है, कोरल पिंक कोरल दोनों का मिक्सचर है इसका शेड, तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। अभी इस टाइम पे मैंने इसी ब्लश को लगाया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये मैंने 199 रुपीज में लिया था, 199 के स्टोर से लिया था मैंने। तो मैंने ना अलग से कोई भी शॉपिंग नहीं करी है पर्पल से, जो स्टोर्स वहाँ पे खुले हुए थे मैंने वहाँ से किया है, क्योंकि बस मुझे पसंद आया वहाँ के। तो ये पर्पल का स्पार्कल लाइटवेट इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटर है, मेरा जो शेड है वो सनलिट। ये आपको 6 ग्राम्स के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, और इसका एक्चुअल प्राइस है 390 रुपीज, लेकिन 199 में मुझे मिल गई। तो ये इसका प्लास्टिक बाहर आ गया। तो ये है आपका हाइलाइटर, इसको भी लगाने के बाद ना भी विद इन काइंड ऑफ ग्लो करते हो, एकदम अंदर से आपका ग्लो आता है लुक। इस टाइम पे मैंने यही हाइलाइटर लगाया, लुक एट द ग्लो, कितना
इतना नेचुरल ग्लो है, मतलब एक चंकी पार्टिकल्स वाले ग्लो होते हैं ना, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा हाइलाइटर चाहते हैं जो आपके बजट में आ जाए, तो आपको ये स्टोर में एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है और भी दो तीन, एक स्टे क्वर्की का भी हाइलाइटर था वहाँ पे, एक स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर भी चल रहा था 199 के स्टोर में, तो डू चेकआउट, बहुत अच्छा है, मिस मत करिए यार। मैं तो यही बोलूंगी कि इस सेल को मिस मत करिए, बेस्ट सेल है अभी तक की। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स के HD कंसीलर। आजकल के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मुझे लगता है बिगनर्स हैं, वो इस कंसीलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये HD कंसीलर है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की, और मैंने सुना है कि ये स्विस ब्यूटी का एक मतलब बिल्कुल स्विस ब्यूटी का जैसा भाई है, वो उस तरीके से है, एकदम फुल कवरेज का। और मैंने आज इसी कंसीलर को यूज करके इस लुक को किया है। दिस इज फुल कवरेज का कंसीलर, आपको एक बार इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसकी पैकेजिंग इज वेरी वेरी रिच रॉयल, और आपको काफी अच्छा खासा प्राइस के अकॉर्डिंग अमाउंट मिल जाता है। अगर आप कभी मेकअप नहीं करते हो ना, तो मुझे लगता है जिंदगी भर ये चल जाएगा, और आपको किसी भी फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीबी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही काफी है। फाउंडेशन, कंसीलर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम सब एक चीज का काम कर देती है। एंड इसकी जो बॉन्ड है बहुत ही ज्यादा थिक है, कुछ इस तरीके से, तो आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि लगाने में प्रॉब्लम हो रही, फटाक से आप लगा लोगे। छोटे बॉन्ड वाले क्या होते हैं कि आपको लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको लगाने में टाइम लगे, फटाफट से लगा लिया, ब्लेंड कर लिया और कहीं भी चले गए। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आई थिंक 280 or 290 का, लेकिन 200 rupees में मुझे मिली। और पर्पल पे अच्छा इसकी कंसीलर अभी अवेलेबल है, कभी कभी ना बिल्कुल से आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये था मेरा नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट भी कंसीलर मैंने लिया, क्योंकि कंसीलर खत्म हो गई थी मेरे पास, और स्विस ब्यूटी का कंसीलर ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैंने लिया था, और ये जो इस बार जो मेरा शेड है, मेरा हमेशा से शेड रहता है 02 सैंड सेबल, लेकिन इस टाइम पे मैंने 03 लिया है, क्योंकि 02 मुझे लगता था कि थोड़ा सा और लाइटर होता, क्योंकि जो कंसीलर होता है आपके फेस को हाईलाइट करने में, इनहांस करने में हेल्प करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का था, तो मुझे एक लाइटर शेड चाहिए था। तो ये जो कंसीलर का शेड है, मुझे एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर मुझे मिली है, एंड इसका जो शेड है वो है 03 शेड, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये 03 शेड है, तो आप 03 जरूर चेकआउट करिएगा। और ये भी कंसीलर अच्छा खासा एक डिस्काउंट में मुझे मिल गया, 188 rupees में मुझे ये मिल गई कंसीलर। वैसे अभी और भी ज्यादा कम में आपको मिल सकती है ये वाली कंसीलर। नेक्स्ट जो परचेज है मेरा वो है ये पर्पल का रेटिनॉल स्मूथ एलोर सीरम। ये एक बेस्ट सीरम है मैं कहूंगी, स्पेशली मेकअप करने से पहले आपको एक ऐसे सीरम की जरूरत होती है जो आपके स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो और आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे। आजकल जो मेकअप लुक मैंने किया ना, सबसे पहले मैंने इसी को यूज किया, कोई टोनर और अलग से मॉइस्चराइजर मैंने यूज नहीं किया। यू कैन सी द बेस कितना अच्छा और बिल्कुल एक मैटिफाइंग सा बेस आया है इसको करने के बाद, बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस सा बेस है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 699 rupees, बट गेस व्हाट मुझे कितने में मिली है, जस्ट 199 rupees में मुझे ये मिली है 199 के स्टोर के अंदर में। और दिस इज अ मस्ट हैव सीरम, मतलब मैं कितनी तारीफ करूँ मुझे कमी लग रही है। अंदर की पैकेजिंग भी काफी ज्यादा क्यूट एंड मतलब बिल्कुल रिच साइज का पैकेजिंग है, और ये इसका जो पैकेजिंग है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, पैकेजिंग से काफी ज्यादा क्यूट लगी थी। मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई क्या कैसा हो, क्योंकि 699 की प्रोडक्ट आपको 199 में मिल रही है, मुझे पहले तो शॉक लग गया कि कैसे, हाउ, लेट्स सी कि कैसी आती है ये प्रोडक्ट, बट यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आई मस्ट से कि ये जो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा ड्राई कर देगी, तो अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आप इसे जरूर परचेज करें। इसमें आपको वेरियंट ऑफ वराइटी मिल जाएंगे, मतलब ये जो है ये है रेटिनॉल स्मूथ एलोर, और मुझे लगता है इसमें स्नेल का जो स्किन होता है उससे भी बनाया गया सीरम्स है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको हाइड्रेशन की नीड है आपके स्किन में, तो आप वो वाले सीरम को भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे इसकी नीड थी तो इसलिए मैंने ये लिया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक फाउंडेशन, और ये भी पर्पल के ही तरफ से है, और ये भी मैंने 199 rupees में लिया है। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस है 549 rupees, बट 199 में मैंने लिया। ये जो मेरा शेड है ना, आज मैंने इसी से किया है अपना मेकअप लुक, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने लगाया तो मुझे लगा कि मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है, बट जब अब मुझे लग रहा है कि नहीं, दिस इज एग्जैक्ट माई स्किन वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड कुछ कुछ फाउंडेशन होते हैं, तो अगर लाइटर शेड का भी है फाउंडेशन, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका जो एक्चुअल स्किन टोन है वो उसमें चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा शेड है, कौन सा फाउंडेशन है जो आपके स्किन टोन का
एब्जॉर्ब होने के बाद, स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद आपके शेड की बन जाती है, क्योंकि अगर आप एक अपने एग्जैक्ट स्किन टोन का ले लोगे और बाई चांस वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड होती होगी तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो डार्क दिखने लगेगा आपका फेस। हम ये भी कह सकते हैं कि फेस ग्रे दिखने लगेगा। तो ये जो फाउंडेशन है ये एक पंप के साथ आती है कुछ इस तरीके से। मुझे एक चीज की सिर्फ अच्छी नहीं लगती कि जब इसे मैं इस तरीके से खोलती हूँ तो साथ में ये भी खुलने लग जाता है, जो चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, बस यही चीज इसकी अच्छी लगी, बाकी इसकी हर एक चीज अच्छी है। बिल्कुल मैट कर देता है आपके, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि आपका जो बेस है बिल्कुल मैट हो जाता है और ब्लेंड करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्योंकि एक मैट फाउंडेशन है ये, इसीलिए। और इसमें जो मेरा शेड है वो है कैफिन कॉमरेड, एंड एज आई टोल्ड यू कि ये मेरे शेड से एक शेड लाइटर थी, बट ऑक्सीडाइज होने के बाद ये मेरे शेड की आ गई। तो ये आपको 199 में वहां पे स्टोर में मिल जाएगी, तो आप इसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड जो लास्ट इस हॉल की प्रोडक्ट है वो है ये पर्पल ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट सेंड किया है। स्पेशली एलाइट मेंबर्स जो होते हैं पर्पल, उनके बर्थडे मंथ पे सेंड करते हैं उनके फेवरेट प्रोडक्ट्स को, तो काफी टाइम से मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट था तो उन्होंने ही मुझे सेंड किया ये। और ये है NYBA की आई लव आई शेडो पैलेट। इसका जो कलर है बिल्कुल स्मोकी आईज के लिए मस्ट हैव है, बिल्कुल परफेक्ट है। और स्पेशली जो इसका ये चाकुल वाला जो शेड है, लेट मी शो यू द पिगमेंटेशन, ये चाकुल वाले का कितना सही पिगमेंटेशन है और बिल्कुल एक शाइन है इसके अंदर जैसे एक चाकुल होता है। और इस आई शेडो की पिगमेंटेशन बहुत 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 ज़्यादा हाई है, मतलब जो पिगमेंटेशन एक आई शेडो से आपको चाहिए होती है वो वाली है इसमें लुक। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी टाइम से चाहिए थी तो पर्पल ने मुझे सेंड कर दिया। तो ये मेरे इस हॉल की एक लास्ट प्रोडक्ट थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड पर्पल के बिल्कुल भी मिस आउट ना करें जो सेल चल रही है। फटाफट से जाइए अपने अपने प्रोडक्ट्स उठा लीजिए, 828 को आई थिंक सो लास्ट है सेल, उसके बाद आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल आप आराम से शॉपिंग करिए। और लास्टली में जब आप 1000 रुपीज तक का शॉपिंग करोगे ना तो आप उसमें कूपन कोड डालिएगा GET100, उसमें आपको 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको 1000 रुपीज तक की शॉपिंग करनी होगी तब आपको वो 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेल चल रही है और वो लोग कितना ऑफ देंगे आपको। तो वो वाला भी कूपन कोड आप जरूर यूज करिएगा GET100 का। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, चल देन बाय बाय, टेक केयर।